गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई राजन तिवारी एंड यू आर वॉचिंग ज्योतिष मंत्र। इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी है क्योंकि क्लास 10 का रिजल्ट आज आने वाला है। बहुत दिनों से क्लास 10 के बच्चे इंतजार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन फाइनली CBSE ने आज रिजल्ट की घोषणा कर दी है। लेकिन मैं यहाँ आपको रिजल्ट बताने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको ये जानकारी देने आया हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा कल 12th क्लास का रिजल्ट था और उसमें आपने देखा कि साइट क्रैश हो गई थी, यानी बच्चे देख नहीं पा रहे थे रिजल्ट, इतनी ज़्यादा रश था साइट के ऊपर कि वो क्रैश हो गई और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। इस बात से बचने के लिए CBSE ने कुछ प्लेटफॉर्म दिए हैं जहाँ से आप बहुत आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हो और साइट का जो क्रैश वाला प्रॉब्लम है इससे भी आप बच सकते हो और अपने रिजल्ट को बहुत आसानी से घर बैठे देख सकते हो। तो उन्हीं कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में आज आपसे मैं बात करने आया हूँ, उनके बारे में आपको बताने आया हूँ कि आप किस तरह से अपना रिजल्ट बहुत आसानी से घर बैठे देख सकते हो। तो पहला तो है ऑनलाइन, जिसको हम हमेशा देखते हैं। उसकी 3 वेबसाइट है जिन वेबसाइट के थ्रू आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। इनमें से पहली है www.cbse.nic.in, दूसरी है www.cbseresults.nic.in, तीसरी है www.result.nic.in। ये जो 3 वेबसाइट है इनके थ्रू सभी लोग इससे देखते हैं, लेकिन इनके क्रैश होने के चांसेस हैं क्योंकि जब इतनी सारी भीड़ होती है तो साइट कभी कभी क्रैश हो जाती है और इस वजह से आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाते हो। तो CBSE ने इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म दिए हैं, इनके बारे में अब आपको एक एक करके बताता हूँ। CBSE ने इस बार डिजिटली रिजल्ट देने का सोचा है। आप इस रिजल्ट को कैसे देख सकते हो, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा https://digilocker.gov.in। जब आप इस साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा परिणाम मंजूषा, इस पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। अपनी डिटेल डालकर वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा बहुत आसानी से, वहाँ क्रैश होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है मोबाइल ऐप के थ्रू, और वो मोबाइल ऐप कौन सा है, डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर को आप किस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए सामने आपको एक आइकन दिख रहा है डिजी लॉकर का। आप पहले तो वो डिजी लॉकर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, पहले ही कर लीजिए, जब रिजल्ट आने से पहले ही आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। CBSE ने आपको इस डिजी लॉकर का, जो मैं बता रहा हूँ, इस डिजी लॉकर का पासवर्ड या उससे संबंधित जितने क्रेडेंशियल है वो सारे आपके मोबाइल पे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर उन्होंने भेज चुके हैं। उस मोबाइल नंबर को डालकर आप वहाँ से OTP प्राप्त करेंगे। OTP प्राप्त करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने रोल नंबर के लास्ट 6 डिजिट उस पर इंटर कर देंगे। जिसे आप इंटर करेंगे आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तो आएगा ही, मार्कशीट तो आपकी आएगी, साथ में आपको मार्गदर्शन सर्टिफिकेट है वो भी आ जाएगा। इसके साथ ही और भी उससे रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो भी अपने आप ही उस डिजी लॉकर में आ जाएंगे। चौथा है बाय SMS एंड ईमेल। अब आपको इसमें SMS भी नहीं करना, ईमेल भी नहीं करना, बल्कि CBSE खुद आपको SMS और ईमेल करके आपका रिजल्ट बताएगा। कैसे बताएगा, देखिए आपने जब फॉर्म भर रहे थे उस समय आपने मोबाइल नंबर और ईमेल उसमें इंटर किया था, तो वो मोबाइल नंबर और वही जो ईमेल जो रजिस्टर्ड है CBSE के पास उसके ऊपर वो आपको अपने आप ही भेज देंगे उस आपका रिजल्ट। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है और ना कहीं SMS करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप वो रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल वहाँ पर रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, पाँचवा प्लेटफॉर्म है थ्रू द SMS। अगर आपने आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आपका ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है, तो SMS करके भी आप अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। SMS आपको कैसे करना है और कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। SMS आपको करना है 7738299899 पर, और जो SMS करने का तरीका होगा वो क्या होगा, आपको लिखना रहेगा CBSE 10th रोल नंबर, और रोल नंबर के बाद आपको 10th क्लास जो पूरा आपको जो रोल नंबर है वो लिखना होगा, फिर एक स्पेस देंगे और फिर एडमिट कार्ड का जो ID नंबर है वो लिखना रहेगा। जैसे आप इतना लिखोगे और इंटर करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है उमंग ऐप, ये भी एक मोबाइल ऐप है, ये सामने आप देख रहे हैं इसका आइकन, इसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद उस वहाँ पर एजुकेशन जो सेक्शन है उसमें जाकर आप अपनी जो डिटेल है वो डालकर अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना रिजल्ट बहुत ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना साइट क्रैश के आप देख सकते हो। देखिए होता क्या है, जब रिजल्ट आता है ना तो हमको बहुत टेंशन होती है, हम कई बार गलती कर देते हैं, हम सही से रोल नंबर नहीं डाल पाते, हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे कि हमारा रिजल्ट रुक जाता है या हम देख नहीं पाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से आप अपना रिजल्ट देखिए और रिजल्ट अच्छा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ख़राब रिजल्ट आने वाला है नहीं।
तो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ट्राई करके देखिए, सभी से आपको रिजल्ट अच्छी तरीके से प्राप्त होंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे पास हो और सभी अच्छा परसेंटेज बनाए। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश। जय हिंद।